अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या डैमेज हो चुका है तो आप घर बैठे ही एक नया आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। पीवीसी कार्ड जिसको कहते हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, यानी वो प्लास्टिक आधार कार्ड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन में से या लैपटॉप में से किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक साइट पे जाना होगा जिसका नाम है UIDAI, ठीक है। इस साइट पे आपको जाना होगा। इस साइट पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ से आपको जाना है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डर फॉर 50 रुपीज, ठीक है। आपको यहाँ पे 50 रुपये पे करना होगा उसके लिए, तो आपके घर बाई पोस्ट आपका आधार कार्ड पीवीसी के फॉर्म में या अपने प्लास्टिक कार्ड जो होता है आधार कार्ड, वो आपके घर में डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड एंटर करना होगा, ठीक है। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आपको ऐसे ही फिलअप करना होगा, ठीक है। अगर आपके फ़ोन आपके आधार कार्ड में नंबर अपडेट है तो यहाँ पे आपको ऐसे ही सेंड OTP उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके नंबर को जो OTP सेंड किया जाएगा, ठीक है। अगर आपके फ़ोन आपके आधार कार्ड में नंबर अपडेटेड नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अल्टरनेट नंबर डालना होगा, यानी जो आपका नंबर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे जो है एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे बोल रहा है कि आपको 50 रुपये पे करना होगा, ठीक है। तो आपका PVC वोटर आई कार्ड आपको उसको क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको सबमिट क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। 50 रुपये पेमेंट करने के बाद आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, वो आपको अपने रेफरेंस के लिए रखना है, ठीक है। तो आप कभी भी चेक कर सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था वो उसका कहाँ तक प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। तो वो आप फिर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उसके लिए यहाँ पे आना होगा, यहाँ से आप कर सकते हो चेक भी, ठीक है। चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे आप जाके आप उसको फिर चेक कर सकते हो।